नमस्कार, मैं हूँ सिल्की सिंह, टैरो कार्ड रीडर एनिमोलॉजिस्ट, और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट। इसी तरीके के पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे मैं अपना नंबर और इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय माय डियर पाइसेस, कैसे हैं आप लोग मीन राशि? चलिए देखते हैं क्या आने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज। स्टार्ट करेंगे हम एनर्जी चेकिंग से। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जनरल और टाइम बेस्ड रीडिंग है, तो कुछ बातें रेजोनेट हो सकती है आपसे, कुछ बातें नहीं, तो जो रेजोनेट है वो लीजिएगा। एंड टाइमली, तो जब भी आपके स्क्रीन पे ये वीडियो आए आप तब भी ये देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एनर्जी चेकिंग। डोर टू वैल्यू, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को वैल्यू करने वाले हैं। किसी तरह फाइनेंशियल गेन आता हुआ दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो किसी तरह प्रपोजल भी आते हुए दिख रहा है। आइए और देखते हैं और क्या है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज बाय द टैरो कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ, बींग पेशेंट अबाउट समथिंग। ओके, क्लियर साइट लेके पेशेंटली वेट करना किसी चीज का। एक सेकेंड, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डोर टू वैल्यू, तो किसी तरह का फाइनेंशियल गेन आता हुआ दिख रहा है, और मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ इंक्लाइन दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सोलो एनर्जीज हैं, सोलो एनर्जीज इन अ सेंस कि आप अकेले ही अपने आप को आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रोग्रेसिंग एनर्जी है, ग्रो एनर्जी है, फ्री स्पिरिट मैं बोलूंगी, फ्री स्पिरिट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आपके माइंड में कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है ना पाइसेस, वो है कि आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं। आप दो आप जंग जंबल अप हैं कि आपको ये आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। आप बस यू आर जस्ट प्लेइंग द वे दिस मैन इज प्लेइंग, आप उसी तरह से आप बस प्ले कर रहे हैं अपने अपने लाइफ में। कि हो सकता है इन पास्ट आप किसी तरह के ट्रांजिशन से गए हैं, किसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हैं, आपके लाइफ में किसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसी वजह से थोड़ा सा आप इंडिसाइसिव हो रहे हैं। किसी चीज को लेके आप बहुत स्टबर्न हैं, अभी बहुत स्टबर्न दिख रहे हैं आप मुझे। आप एकदम यू आर लाइक इन अ वॉरियर मोड। अगर आपको हल्का सा भी कोई कुछ बोल देगा, यू विल स्टैंड फॉर योर इन योर डिफेंस। आप डिफेंस में एकदम अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम आप खड़े हो जा रहे हैं। किसी तरीके की ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हैं, किसी तरीके के पर्सन का या किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। ये किसी भी सिचुएशन से रिलेट हो सकता है। किसी डील का वेट कर रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में देखिए किसी तरह डील, किसी तरह अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। मेरे को ज्यादातर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन का वेट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे अपने लाइफ में। और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म होने के लिए जस्ट मैनिफेस्टिंग, देन यू जस्ट प्रेइंग फॉर कि जितने भी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में हैं वो सब खत्म हो जाए। और कहीं ना कहीं से एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आते हुए दिख रही हैं, एक आपके हायर सेल्फ की ब्लेसिंग आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं आगे की बात करूँ तो इन फ्यूचर आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में, आप उससे, जैसे मैंने बोला ना कि यू आर इन दिस एम्परर जोन, तो उस एम्परर जोन में आप अपने सारे प्रॉब्लम से लड़ के आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सेटल होते हुए, सबको सबसे मतलब सबको खत्म करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड आई वुड से द गाइडेंस फॉर यू इज दैट कि सरेंडर योर सेल्फ टू द यूनिवर्स। जो भी हो रहा है वो आप उसको सरेंडर कर दीजिए। जो भी रियलिटी होगी वो आपके सामने बहुत जल्दी आते हुए दिख रही है।
तो ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, आप किंग ऑफ स्वोर्ड्स यानी बहुत पावरफुल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, आपका नाइन ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ स्वोर्ड्स की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी ड्रामास हैं, कोई भी प्रॉब्लमेटिक लाइफ चल रही है कहीं पे भी, तो वो सबको छोड़ के आगे बढ़ने वाला गाइडेंस में आपके लिए 3 ऑफ सोर्स आया है। तो आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है अपने आप को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो उससे रिलेटेड है ये। चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो आपको कोई न्यू डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है, और ऐसा करेंगे तो आपके लाइफ में रिकवरी आएगी। एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने की जरूरत है, ठीक है। जब हम अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन से, गुड इन्फॉर्मेशन लेके कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन पावर भी स्ट्रांग होता है और हमारे बात करने के तरीके में भी एक डिफरेंस आता है। तो दिस वॉज ऑल फॉर यू पाइसेस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों शेयर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्ते।